Welcome everyone. In this video we will study about class 9th history, chapter 4 we will discuss. So let's start. देखिए हमने part 1 में complete कर लिया था कि forest के laws वगैरह जो चल रहे थे, हमने कुछ पढ़े थे उसके बारे में, plantation के बारे में भी हमने पढ़ा था. अभी हम इस topic में देखेंगे कि rise of commercial forestry, commercial या व्यापारिक forestry कैसे बढ़ती है इस time पर जब अंग्रेजों का राज हो जाता है. So जानते हैं चलिए. लेकिन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज. हमने ये देख लिया था कि शिप्स और रेलवेज बिल्ड करने के लिए ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, उनको फॉरेस्ट चाहिए थे. ठीक है, उनको फॉरेस्ट के प्रोड्यूस चाहिए थे, टिम्बर वगैरह की उनको नीड थी. एंड दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रेकलेस फॉलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट. उनका मानना था कि लोकल लोग यूज करेंगे प्लस जो ट्रेडर पेड़ वगैरह काट लेंगे तो फॉरेस्ट बचेंगे नहीं इनके यूज करने के लिए. मीन्स फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स के यूज करने के लिए बचेंगे ही नहीं. ओके सो ये बात थी. सो इसलिए क्या करते हैं अभी ये, सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट. अभी डेटरिक ब्रैंडिस आते हैं फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, Who was the first inspector general of forest in India? So India में कौन थे first inspector general? वो थे Dietrich Brandis. Okay, ये हमारे first inspector general थे forest के India की अगर हम बात करें. तो इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या बताया. ब्रैंडिस ने रियलाइज किया कि प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉरेस्ट को मैनेज करने का और लोगों को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो कंजर्व करें, इसको बचाए, जंगलों को वेस्ट ना करें. तो कुछ लीगल सैंक्शन लगाने चाहिए, मतलब सरकार की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए तभी मानेंगे लोग. रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड. तो इसलिए उसका मानना था कि कुछ कानून बनाने चाहिए सो दैट सभी इस चीज को देख लें कि भाई कैसे हम इसको बचा सकते हैं फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ इनका मानना था. सो इसके बाद देखिए, ब्रैंडिस रियलाइज दैट प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट. ये हमने पढ़ लिया है. फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड. उसका मानना था कि पेड़ों की कटाई और ग्रेजिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए सो दैट टिम्बर्स बचे. टिम्बर्स बचेंगे तभी तो हम शिप्स और रेलवेज बना सकते हैं. ओके, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी, देखिए विदाउट, अगर सिस्टम को फॉलो किए बिना अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो उससे क्या होगा. देखिए उसका, ये ट्रीज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी. सो ब्रैंडिस सेटअप, अभी देखिए ब्रैंडिस ने क्या किया इसके लिए. ब्रैंडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई, ये कुछ एक पार्ट है वेरियस सर्विसेज का. सो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टेब्लिश्ड. ओके सो कब यहाँ पर बनाया गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को, ये बनाया गया था 1864 में. एस्टेब्लिश्ड को आप पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है. एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. So, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा, व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मेड. व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मेड, तो कब बनाई गई, ये बनाई गई 1865 के अंदर. तो इसके बाद देखिए, द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. अभी देखिए इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा, Where was the Imperial Forest Research Institute set up? तो कहाँ set up किया गया, आपको assignment मिल जाएंगे questions. ये set up किया गया देहरादून 1906 में. So ये कुछ important questions हैं जो हमारे इस paragraph में बनते हैं. उसी के साथ हम चलते हैं आगे. So देखिए, the system they taught here was called scientific forestry. तो यहाँ पर एक सिस्टम बोला गया जिसका नाम रखा गया scientific forestry. So जो ये सिस्टम था scientific forestry क्यों बनाई गई? Many people now include ecologists feel that this system is not scientific at all. ये उस टाइम नाम तो दे दिया गया कि yes
भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, लेकिन क्या कहते हैं कि अभी मानना है लोगों का कि इतनी साइंटिफिक नहीं थी जितनी मानी जा रही थी। ओके, इतनी साइंटिफिक ये नहीं थी। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैज लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। देखिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या बताया जा रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जिसके अंदर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रीज है उनको काट दिया जाता था, इन देयर प्लेस एक टाइप की क्रॉप को उगा दिया जाता था स्ट्रेट रोज में। दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। इसको हम प्लांटेशन बोलते हैं जब एक टाइप की क्रॉप को उगा दिया जाता है वहां पर। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे करते थे फॉरेस्ट को, पहले एस्टिमेट करते थे टोटल एरिया की कितना हमारा एरिया यहाँ पर है। ओके, कि हमारे पास कितना एरिया यहाँ पर बन जाएगा। एंड मेड वर्किंग प्लान फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और वर्किंग प्लान यहाँ पर बनाए जाते थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद देखते हैं दे प्लान हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू बी कट। वो प्लान बनाते थे कि हर साल कितना फॉरेस्ट एरिया काटा जाएगा, प्लस हर साल कितने पेड़ तैयार हो जाएंगे आगे काटने के लिए। तो ये कुछ इन्होंने आइडियाज लगाए ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट जब इनेक्ट की गई 1865 में, इसको दो बार अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब यहाँ पर कुछ बदलाव लाए गए उसके अंदर। तो इस बदलाव के तहत क्या था कि दो बार बदलाव लाए गए 1878 में प्लस 1927 के अंदर। 1878 में क्या किया गया कि डिवाइड किया गया फॉरेस्ट को तीन टाइप्स में। ओके, देखिए आपने 8th में पढ़ा होगा कि एक ही टाइप पढ़ी थी आपने रिजर्व। यहाँ पर देखिए तीन टाइप्स बना दी गई, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा नेम द कैटेगरीज। नेम द कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट की जो कैटेगरीज थी वो बताइए, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पर तीन कैटेगरीज थी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। सो देखिएगा द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड, जो सबसे बेस्ट इनमें से थे उनको माना जाता था रिजर्व फॉरेस्ट। एंड विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम। यहाँ से विलेजर्स कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। ओके, यहाँ पर वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। खुद के यूज के लिए भी नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं वो यूज कर सकते थे। उसके बाद देखिए कि फॉर हाउस बिल्डिंग के लिए फ्यूल प्रोटेक्टेड से वो और विलेज फॉरेस्ट से वो अपना ले सकते थे। ओके, प्रोटेक्टेड से और अपना वो अपना ले सकते थे, बिल्कुल सामान वगैरह जो इनको अगर कुछ चाहिए था हल्का फुल्का तो वहां से प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से इनको मिल जाता था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। देखिए लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई ये हम जानेंगे इस टॉपिक में, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। फॉरेस्ट वालों का और विलेजर्स का मानना अलग था कि कैसा एक जंगल होना चाहिए बेसिकली। सो देखिए विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। देखिए विलेजर्स मानते थे कि बहुत सारी वहां पर स्पीसीज हो ताकि सबकी नीड्स हो जाए, जैसे फ्यूल, फोडर, लीव, सब कुछ मिल जाए उनको, उनका ये मानना था। उसके बाद देखते हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मानना था कि उनको ऐसे पेड़ चाहिए जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके, जैसे टिम्बर के पेड़ चाहिए, मतलब टिम्बर उनको लकड़ी मिल जाए जिससे शिप और रेलवे जो बना सकते हैं। उनको लेबर चाहिए थी ताकि वहां पर लोगों को सेटल करे और लेबर मिल जाए, तो उनकी अलग नीड्स थी। देखिए दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड, जहाँ से सख्त वुड मिले, और सो दैट वो शिप्स भी बना सकते हैं और रेलवे के ट्रैक्स भी। समझ रहे हैं आप इस बात को, आपको जानते हैं इस बात को। सो पर्टिकुलर स्पीसीज, कुछ स्पीसीज उगाई जाती थी जैसे टील एंड साल। तो टील एंड साल को, टीक और साल को यहाँ पर उगाया जाता था। यहाँ पर इनको उगा कर ये दिखाया जाता था कि यस हम अच्छे से रख रहे हैं जंगल को, लेकिन जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अलग थी। आप जानते हैं इस बात को कि इन्होंने पेड़ की ज्यादा कटाई कर दी थी। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये साइंटिफिक प्रोटेस्ट फॉरेस्ट्री का नाम नाम लिखा गया था, लेकिन इतनी ज्यादा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं थी। उसके बाद चलते हम आगे। लेट्स सी कि इन फॉरेस्ट एरिया में क्या होता था। पीपल यूज वेरियस चीजों को यूज करते थे, जैसे रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सारे काम के लिए यूज किए जाते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट। फ्रूट और ट्यूबर्स बड़े ही न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स बिफोर द हार्वेस्ट हैज गोन। हार्वेस्ट जाने से पहले
ये बड़े ही न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए। हर्ब्स को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता था, वुड्स को वेरियस इंप्लीमेंट्स के लिए जैसे कुछ टूल्स वगैरह बनाने के लिए, बेम्बू एक बहुत ही अच्छा फेंस था चारों तरफ चार दीवारी करने के लिए, बेम्बू को यूज करते थे। बास्केट और अम्ब्रेलाज भी बेम्बू से बन जाते थे। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल, और वाटर बॉटल्स भी बना लेते थे इन चीजों को यूज करके। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगल की चीजों को यूज करके कितनी सारी चीजें यहाँ पर बनाई जा रही है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल था ये ट्राइब्स के लिए। ओके, ट्राइब्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉरेस्ट, और ये जानना बड़ा ही जरूरी है कि वो क्या क्या बना सकते हैं, बिकॉज इसके द्वारा हमें भी पता लगेगा कि यस क्या सिचुएशन उनके साथ चल रही थी और किस दौर से वो गुजर रहे थे। ओके, तो आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल, सभी चीजें अवेलेबल थी कहां पर, जंगल के अंदर। ओके, जंगल के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल था। प्लस ये बोल रहे हैं कि हमारे पास प्लेट्स और कप्स बनाने के लिए भी हमारे पास जैसे सीआरडी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, रोप्स बन जाती थी। थोर्नी बार्क ऑफ सेमुर, सिल्क कॉटन की ट्री से हम वेजिटेबल्स को मतलब पकाने में थी ये यूज कर लेते थे। ऑयल मिल जाता था इनको लैंप्स के लिए और कुकिंग के लिए महुआ ट्री से। बड़ा ही सही सिचुएशन था इनके लिए, बड़ा ही अपना जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे। तो उसके बाद देखते हैं हम ऑयल, द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सेवर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जो ये फॉरेस्ट एक्ट आई अंग्रेजों के द्वारा, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये बड़ी ही खराब सिचुएशन लेकर आई थी इनके लिए, विलेजर्स के लिए भी और ट्राइब्स के लिए भी। After the act, all these their everyday practice cutting, जैसे जो daily की practices होती थी इनकी की पेड़ को काटना plus shifting cultivation जो ये use करते थे, ये सभी situations इनके लिए I think कम हो गई थी। Plus second बात ये है कि जो इनके houses grazing cattle से करते थे, fruits को collect करना, roots को collect करना, hunting, fishing, ये illegal कर दिया गया था। अब ये इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। People were now forced to steal wood, wood चोरी करना पड़ता था इनको। Okay, अगर पकड़े जाते तो इनको या तो फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत देनी पड़ती थी। वीमेन्स को बहुत ज्यादा वरी रहता था अगर वो फ्यूल वुड कलेक्ट करने जाते थे, बिकॉज अलाउड तो था नहीं और पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके, अलाउड तो बिल्कुल नहीं था। सो इट वाज आल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हराश पीपल। अभी ये पुलिस वालों के लिए भी कॉमन सी बात हो गई थी कि ट्राइब लोगों को हराश किया जाए, उनको तंग किया जाए। तो देखिए, ऐसी ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी, आप देख सकते हैं ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी। तो उसके बाद चलते हैं कि कल्टीवेशन के बाद क्या रूल्स बदले, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को कैसे इफेक्ट डाला। वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन वाज प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती थी पहले। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इट है इसके बहुत सारे लोकल नेम है, जैसे लैडिंग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका में, टैवी बोला जाता है अफ्रीका में। इस प्रकार से आप बहुत सारे नाम यहाँ पर देख सकते हैं। हमें याद नहीं करने इतने ज्यादा नाम, बट यस आप कुछ एक दो याद कर लीजिएगा। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि कुछ एरिया काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है, सो दैट उसकी राख को खाद के तौर पर यूज करें। प्लस उसमें हार्वेस्टिंग की जाती थी, अक्टूबर नवंबर तक उसमें हार्वेस्टिंग हो जाती थी। ओके, फिर वो अपना कलेक्ट कर लेते थे, उसको 12 से 18 साल तक खाली छोड़ दिया जाता था, सो दैट उसकी फर्टिलिटी अच्छे से बन जाए। मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स उसके अंदर उगाई जाती थी, जैसे अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें और अफ्रीका की बात करें, वहाँ पर मिलेट्स, ब्राजील मैनियोक, और लैटिन अमेरिका की बात करें तो मेज और बीन्स भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से चीजें उगाई जाती हैं। सो आगे देखते हैं, यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने रिगार्ड किया कि ये प्रैक्टिस बड़ी खराब है, आप एक जगह पर अगर खेती करके उसको जलाकर छोड़ देंगे तो वहां पर ये मान लीजिए पोल्यूशन का ज्यादा खतरा है, या फिर वेरियस उन्होंने रीजंस दिए। They felt that land which was used for cultivation very few years could not grow trees for railway timber, because उनका मानना था कि अगर cultivation कर लिया गया तो वहाँ पर tree उग नहीं पाएंगे, और tree नहीं उगेंगे तो हम railway पे कैसे use करेंगे railway में वहाँ पर। Okay, because उनको तो अपना profit दिख रहा था, main था उनको खुद का profit देखना। उसके बाद देखते हैं, when a forest was burned, जब जंगल को जला दिया जाता था, there was the added danger of flame spreading, और एक डर ये भी था कि आग फैल जाए, और you know कि जंगल में देखिए आग देख सकते हैं आप, जंगल में आग लग जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बुश फायर अभी कुछ एक दो महीने पहले हुआ था, जंगल में आग लग गई थी वहां पर, तो ये देख सकते हैं। सो आगे देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए हार्ड हो गया था ये सिचुएशन, बिकॉज शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे लग गया था बैन, और बैन लगने के बाद यू नो कि कम्युनिटीज अब डिस्प्लेस कर दी जाती थी, उनको कहा जाता था कि आप एक जगह पर सेटल हो जाइए अब आराम से, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो ये सिचुएशन आ गया था, हु कुड हंट, तो अब हंटिंग कौन कर सकते थे। अभी हमने तीन प्रजातियों को पढ़ लिया था, तीन प्रजातियों को हमने पढ़ लिया था, अभी हम लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, लास्ट पार्ट को देखते हैं कि अभी हंटिंग कौन कर सकते थे। नए फॉरेस्ट कानून बनने के बाद, बिफोर फॉरेस्ट लॉ, मैनी पीपल जो रहते थे वो हंटिंग वगैरह पर सर्वाइव करते थे, उनकी प्रैक्टिस हो गई थी कि यस हम हंटिंग करेंगे, हम एनिमल्स वगैरह की हंटिंग करेंगे और उनसे अपना काम चलाएंगे। लेकिन अभी प्रोहिबिशन लग गया था, अभी इस पर रोक लगा दी गई थी। जिनको हंटिंग करते पकड़ लिया जाता था उनको पनिशमेंट मिलती थी, जो भी उनके कानून थे। वाइल द फॉरेस्ट लॉज डिप्राइड ऑफ देयर कस्टमर राइट टू हंट, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। देखिए, बड़े बड़े हंटिंग करना एक स्पोर्ट बन गया था। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट। हंटिंग ऑफ टाइगर्स करना जो था वो बहुत ही अहम एक कोर्ट का कल्चर और नोबिलिटी का कल्चर। राजा महाराजा जो थे वो टाइगर्स की हंटिंग करने लगे थे, आप देख सकते हैं इस बात को। अंग्रेज भी टाइगर की हंटिंग करते थे, लेकिन लोगों को रोका जाता था कि आप हंटिंग नहीं करेंगे। बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स में भी आप देख सकते हैं कि हंटिंग एंजॉय की जाती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे हंटिंग बहुत ज्यादा इतनी बढ़ गई थी कि कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गई थी। बिकॉज वो बड़े एनिमल्स को वाइल्ड मानते थे, सैवेज मानते थे, खराब मानते थे और उनको डेंजरस मानकर उनको मारना शुरू कर रहे थे। सो हु कुड हंट, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं अंग्रेज खड़े हैं, बहुत सारे टाइगर्स इन्होंने मार दिए हैं। नेपाल की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी, अभी हम इस पार्ट को पूरा करते हैं। They gave rewards for killing of tigers. उनको इनाम मिलता था जो टाइगर मारते थे, जैसे 80,000 टाइगर्स, 150,000 लियोपर्ड्स, 2,00,000 वोल्स को वहां पर मार दिया गया था। एंड ये एक स्पोर्ट्स की ट्रॉफी की तरह बन गया था। जॉर्ज यूल, आप देख सकते हैं लगभग जॉर्ज यूल ने 400 टाइगर्स को मार दिया था अकेले ही। इनिशियली कुछ एरिया रिजर्व था हंटिंग के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आर्ग्यू किया गया एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि यस स्पीसीज खत्म हो जाएंगी अगर आप ऐसे ही हंटिंग करते रहे तो। इज दैट क्लियर? सो चलिए अब हम एक पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक है सेकंड पार्ट का। सो देखते हैं। तो देखिए, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस। तो नई नौकरियां, नए ट्रेड कैसे चले? जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया, उनको पता था कि नई अपॉर्चुनिटीज अब बन चुकी है, नई कम्युनिटीज हमें मिल रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, भी अलग अलग देशों में भी हो रहा था। सिर्फ इंडिया में नहीं था ये, बाकी देशों में भी सिचुएशन चल रही थी। ओके, तो इसके बाद देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्राजीलियन अमेज़ॉन्स की, वहां पर मुंडरुचू पीपल्स रहते हैं, मतलब उनकी एक ट्राइब रहती है, वो विलेज में रहते हैं हाई ग्राउंड्स पर और कल्टीवेट करते थे मैन्योक, और वहां पर लेटेक्स कलेक्ट करके वो वाइल्ड रबर बनाते थे और उसकी सप्लाई करते थे। इस प्रकार का उनका कुछ व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पोस्ट कम होती गई और ट्रेडर्स पर वो कंप्लीटली डिपेंड करने लगे। पहले वो खुद बेचते थे, लेकिन अभी कंप्लीट डिपेंड हो गए वो ट्रेडर्स पे। इंडिया में क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, ट्रेड जो चल रहा था फॉरेस्ट का, आपने पढ़ा था सिल्क के बारे में भी, बहुत सारी सिल्क, देखिए सिल्क कोकून्स, आइवरी, हाइड्स ये उगाई जाती थी और इनको बेचा जाता था, जैसे बंजारा टाइप की ट्राइब्स के द्वारा बेचा जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ट्रेड कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में था। अब वो चाहेंगे वही चीज बिकेंगी, वो खुद खरीदते थे पहले इनसे और फिर अच्छे दाम पर उसको बेच देते थे। प्रॉफिट मतलब ज्यादा इनके पास था, ट्राइब्स के पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। ओके, ग्रेजिंग हंटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अभी क्रिमिनल ट्राइब्स भी डिक्लेयर कर दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था सो दैट वो एक ही जगह फिक्स रह जाए, उनको अरेस्ट कर दिया जाता था अगर वो घूमते मिलते। नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी काम की ट्राइब्स को, जैसे माइनिंग में जा सकते हैं, वो टी प्लांटेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से देखिए, नए काम तो मिले लेकिन कंडीशन अब खराब थी। तो अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने चार पांच टाइप्स की कैटेगरीज को पढ़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमने पढ़ा, कल्टीवेटर्स को पढ़ा हमने, हंटर्स गैदरर्स को भी पढ़ लिया हमने, प्लस में हमने सॉल्व कर लिया उसके बारे में कि किसको हंट करना अलाउड था, एंड लास्ट हमने पढ़ा था कि नए काम मिलते थे, कुछ को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था। सो ये था हमारा पार्ट टू, चैप्टर फोर, हिस्ट्री, दैट इज फॉरेस्ट एंड कॉलोनिज्म इन इंडिया। सो बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।